इस बार केंद्र सरकार आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान की जोर शोर से तैयारी कर रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी राज्यों में 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। इससे पहले बुधवार को सभी सांसदों ने दिल्ली में तिरंगा बाइक यात्रा निकाली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया था, जिस रैली में कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी भाग लिया था। और इस रैली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे। जी हां, इस यात्रा में मनोज तिवारी हेलमेट पहनना ही भूल गए। तिरंगा बाइक रैली में शामिल हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एकदम ठीठ अंदाज में नजर आ रहे थे। बुलेट पर बैठे तिवारी माथे पर भगवा गमछा लपेटे हुए थे। तिवारी की ये तस्वीर देखते ही हर किसी के जहन में यही बात आई कि सांसद महोदय का हेलमेट किधर है। बहरहाल मनोज तिवारी ने बिना हेलमेट लगाए तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले लिया और मजे से बाइक चलाई, पर उन्हें भी एहसास हो चला था कि गलती तो हो चुकी है। उन्होंने बाद में बात को संभालते हुए ट्वीट करके माफी मांग ली। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आज हेलमेट ना पहनने के लिए मैं माफी मांगता हूं और मैं चालान भरूंगा। उन्होंने लिखा कि फोटो में मेरी बाइक का नंबर साफ दिख रहा है, लोकेशन थी लाल किला। आप सबसे निवेदन है कि बिना हेलमेट पहने टू व्हीलर ना चलाएं। अब सांसद महोदय खुद ही कह रहे हैं कि मेरा चालान काटो, तो दिल्ली पुलिस मौका क्यों छोड़ती। लेकिन तिवारी को भी क्या पता था कि पुलिस उन्हें कायदे से लपेट लेगी। पुलिस ने थाम दिया 41,000 रुपए का चालान। जी हाँ, अब आप पूछेंगे कि सिर्फ हेलमेट ना पहनने के लिए इतना मोटा चालान, तो आपको बता दें कि तिवारी ने और भी कई नियम तोड़े थे। तो चलिए आपको बता दें कि 41,000 के चालान में आखिर क्या क्या शामिल है। बिना हेलमेट 1,000 रुपए, बिना लाइसेंस 5,000 रुपए, बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट 10,000 रुपए, RC वॉयलेशन 5,000 रुपए, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 5,000 और साथ ही कई ऐसे जुर्माने लगा दिए जिसे चालान की कुल रकम 41,000 हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी हेलमेट लगाए बाइक चलाते नजर आए थे। तस्वीरें देखकर लोग पूछने लगे कि दिल्ली पुलिस की सारी सख्ती क्या सिर्फ आम आदमी के लिए है? क्या चालान सिर्फ जनता ही भरेगी? नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए कोई कानून नहीं है? हालांकि मीनाक्षी लेखी और रमेश बिधुड़ी और अन्य कुछ बड़े नेता बकायदा हेलमेट लगाए नजर आए, लेकिन हेलमेट ना लगाने वालों की संख्या भी अच्छी खासी थी। हालांकि यहां पर ये सवाल जरूर उठता है कि अगर तिवारी खुद माफी मांगते हुए चालान कटवाने की बात ना कहते तो क्या दिल्ली पुलिस उन्हें यूं ही छोड़ देती। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।